मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के एन वक्त पर संगठन में बदलाव किया गया, जिसमें इंदौर महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष की कमान पार्षद सोनाली मिमरोट को सौंपी है। नई जिम्मेदारी मिलने पर सोनाली मिमरोट ने संगठन का आभार जताया, साथ ही संगठन के विश्वास पर खरा उतरने की बात कही। इंदौर में लोकसभा चुनाव के और पहले कांग्रेस संगठन ने बदलाव किए हैं, जिसके चलते कांग्रेस ने वार्ड 45 की पार्षद सोनाली मिमरोट भाटिया को महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। नई जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाई दी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सोनाली मिमरोट ने कहा कि संगठन के विश्वास पर खरा उतरने और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इस योग्य समझा, इसके लिए मैं उनका जितना भी मैं अपने आप को उस उम्मीद पर खरी उतार सकूँ खुद को, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, इंदौर शहर में महिलाओं के प्रति जो सभी लोगों का आदर भाव रहा है और महिलाओं ने अपनी प्रेजेंस हर जगह पर दर्शाई है और कांग्रेस ने अगर ये मुझे नियुक्ति इस समय चलते हुए चुनाव में दी है तो कहीं ना कहीं हमें संगठन को और मजबूत करने की उम्मीद उन्होंने मुझसे की होगी और निश्चित तौर पर मैं ये उम्मीद पूरी करूंगी और महिलाओं को एकत्रित करके सभी को एकजुट करना, अपनी कांग्रेस के जितने भी उनकी रीति नीति उन तक पहुँचाना, कांग्रेस के न्याय पत्र को सब लोगों तक बंटवाना, सब लोग उस चीज को समझें कि कांग्रेस उनके लिए क्या अहमियत रखती है और कांग्रेस उनके लिए क्या करती आ रही है और आगे उनके लिए क्या करेगी, ये हर एक महिला को, हर एक व्यक्ति को समझ में आए और वो कांग्रेस के प्रति उस पुरानी भावनाओं को फिर से जागृत करें, इसी के लिए मेरी कोशिश रहेगी। और महिलाओं को एकजुट करना है, महिलाओं को सम्मान, आत्मसम्मान के साथ अपने आप को रखने के लिए प्रेरित करना है। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।